आपको हम बताते हैं, आपको हम स्मरण कराते हैं कि जिस तरह एनडीए के सरकार में जो यहाँ माननीय सदस्य लोग हैं, अपने से थपथपाते हैं, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य और सभी विभागों की विकास की चर्चा होती है, सड़क की चर्चा होती है, दिया तले अंधेरे वाली बात है। जहानाबाद महज पटना राजधानी से 60 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है महोदय। हमको सरकार ने घोषणा किया और अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटा में राजधानी पहुंचने का दावा करती है सरकार। हमको आने में वहां से 3 घंटा महोदय, जहानाबाद से आने में लगता है। ये NH 83 का हाल है महोदय। आपको और बताते हैं, अभी इसी सदन से कई सदस्य शौचालय का और कई तरह के शिक्षा के विकास की चर्चा किया है। शिक्षा में भी विकास हुआ है महोदय। वो विकास भवनों, सुंदर सुंदर भवन बने हैं महोदय। आज सुंदर भवन तो बनाए गए हैं, लेकिन शिक्षा कैसे छात्रों को मिलेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है इस सरकार को महोदय। गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं है उस विद्यालय में महोदय। अभी एक सदस्य, माननीय सदस्य, शौचालय की चर्चा कर रहे थे। जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं, वहाँ के ग्रामीण अपने पैसा से शौचालय बना करके हजारों की संख्या में, आज उसको भुगतान नहीं हो रहा है महोदय। यही यहाँ वर्तमान सरकार की विकास है महोदय। हम ऐसी बात नहीं है, सरकार ने जो विकास किया है उसको हम नकारते नहीं है, हम आंशिक रूप से उसको भी स्वीकार करते हैं महोदय। लेकिन लालू यादव की नेतृत्व वाली जो सरकार थी महोदय, उसमें जो सोच था वो आज कहीं न कहीं नेता के रूप में आज स्थापित हैं। हमारे नेता ने जो सपना देखा था कि समाज के अंतिम पदान का लोग कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी लालू यादव की लड़ाई का आज नतीजा है कि यहाँ आकर के आज मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर अति पिछड़ा का बेटा कह के चुनाव में के दिनों में वोट मांगते हैं और देश के आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं महोदय। आपको हम अब अपने क्षेत्र की ओर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराते हैं माननीय मंत्री महोदय का, और यहाँ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भी बैठे हुए हैं विनय बाबू। चूंकि मेरे पिता के समय का ही कुछ सड़क था, कुछ पुल पुलिया था, हम कई बार अपने पिता के साथ भी जाके मिले थे, चूंकि उनके साथ हम जाया करते थे। उसके बाद जब मैं स्वयं विधायक बना, उसके बाद भी जाके मिला। इन्होंने हमें बताने का काम किया था कि विधायक जी, अगर हम पुल उसी का बनाएंगे जिस जो रोड कहीं पुल के बिना अधूरा रह जाता है, तो हमारे विधानसभा में 3-3 इस तरह का रोड है जो पुल के अभाव में अधूरा है महोदय। एक किंदुई कोठिया पुल है, एक दाढ़ू नाला में हड़पुर में पुल है, एक मिनट महोदय, और घेजन गोपालपुर रोड में सुइया नाला पुल है महोदय। आपको हम महोदय बताते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग की महोदय सड़क 16-17 में टेंडर हुआ था महोदय, रतनी फरीदपुर प्रखंड में शंकर बिघा एक सड़क है महोदय, वह टेंडर हुआ, उसके बाद कार्य भी अभी तक नहीं लगा और क्या हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है महोदय। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है महोदय, अंतिम पदान के लोगों के गांवों का विकास करना चाहती है महोदय। हमारे यहाँ आजादी के 70 साल बाद भी जिस सरकार में वोट के लिए सड़क के लिए वोट का बहिष्कार होता है महोदय, वह सरकार भी अपना पीठ थपथपाती है महोदय। हमारे यहाँ अभी हम जब उपचुनाव लड़ रहे थे महोदय, उस समय भी सड़क के लिए धुरिया में वोट का बहिष्कार हुआ महोदय। इसके बाद फिर नगर परिषद में महादलित टोला है भवना संघत पर NH 110 से होके गुजरती है महोदय, वहाँ भी सड़क की जरूरत है महोदय। हम इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो वहाँ मूलभूत सुविधा सड़क का नहीं है, वहाँ सड़क बनाया जाए। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।